हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज साक्षी गर्ग। आई एम 9 इयर्स ओल्ड। आज हम बनाने वाले कप्स लाइक दीज। तो उसके लिए हमें चाहिए ये 15 cm का एक सिक्योर पेपर, और हमें चाहिए 6 cm का एक सिक्योर पेपर, और हमें चाहिए फेविकिक, सीजर, ब्लैक एंड रेड कलर। तो हमें ये चाहिए 15 cm का एक पेपर, उसको इस तरह डबल फोल्ड देना है, उसके बाद फोल्डना है। तो ये जो हमें सेंटर वाली लाइन दिख रही है, इस पर हमें दोनों साइड से डबल फोल्ड देना है इस तरह, और उसके बाद हमें इस तरह इसको फोल्ड देना है, और फिर इस तरह खोल के ये जो सेंटर वाली लाइन है, फिर से इसको इस तरह डबल फोल्ड देना है, और फिर हमें ये जो लाइन्स दिख रही है इस तरह, इन पर भी इस तरह डबल फोल्ड करना दोनों साइड से, फिर इस 1 2 3 कड़ी, और ये हमारे पास लाइन्स शो हो गई इस तरह। और उसके बाद ये जो पेपर है उसकी एक साइड इस तरह खोल कर, दोनों साइड नहीं, सिर्फ एक साइड खोलनी है, और उसको सीजर से कट करना है। इस तरह हमें इधर सीजर से कट करना है, हो गया। इस पेपर को साइड में कर, ये हमने एक साइड से काट लिया, तो फिर ये जो लाइन्स शो हो रही है ना, इनको भी हमें इस तरह कट के निशान देने हैं जहाँ तक फोल्ड हुआ है। लेकिन उससे पहले हमको इधर पेंसिल से निशान बनाने हैं। पेंसिल से हमें इस तरह डार्क कर लेना है ताकि हम इसको अच्छे से कट कर सकें। तो मेरा हो गया, ये देखिए। तो ये इस तरह से लाइन शो हो रही है। अभी हमें इनको कट करना है, एकदम जहाँ तक फोल्ड हुआ हुआ है वहीं तक कटिंग देनी है। सेंटर तक इस तरह से हमें कट करना है। ये देखिए, मैं सब पीसेस काट ले हैं प्लेट में, ये जहाँ जहाँ हमने लाइन खींची थी वहाँ वहाँ तक ही काट लिया। अभी ये जो लास्ट पीस है इसको ना इधर बीच में से कट करना है, इस तरह हो गया। ये देखिए, हमने साइड से इसको काट दिया, एक साइड से हमने इसको काट दिया, और अब हमें इसको खोल कर यहाँ पे और यहाँ पे गम लगा के इसको चिपका देना। हमें खोल कर साइड में चिपका देना, उसके बाद हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है ताकि अच्छे से चिप जाए। हमने जिधर एक साइड से कट किया था उधर वाली साइड पे हमें गम लगा के इस तरह से चिपकाना है। गम लगा ली, गम लगा के इधर इस तरह से चिपकाना है। ध्यान से इसको अच्छे से दबा लेना ताकि ये टूटे नहीं। ये हमने जोड़ लिया, अभी हमें ये इस तरह से खोल देना अच्छे से ताकि ये एक दूसरे के ऊपर चिपकाते रहने। लेकिन उससे पहले आप इनको साइड में कर लेना ताकि ये सेंटर में बीच बीच में ना आए। तो अब हम चिपकाएंगे और इस तरह से
ऐसे पकड़ के इस पे गम लगा लेंगे। उसके बाद हम तो ये दूसरी स्टिक से इसको इस तरह चिपका देंगे। फिर दूसरी चिप पे भी इस तरह पकड़ के गम लगा के तीसरी वाली चिप को भी इसके ऊपर चिपका देंगे। फिर उस पर भी गम लगाकर चौथी चिप को भी इस पे चिपका दें। इस तरह सारी चिप को चिपका दें। ध्यान से इस तरह सारी चिपका दी है हमें। भी गम लगाकर कभी ये बनेगा। और कप के नीचे ये एक और पेपर मैंने काटा है तो उसको इस तरह से चिपका देना है ताकि इसके नीचे की ये जो पट्टियां सी है ये दिखेगा। गम लगा के चिपका दी। मैंने इसको अच्छे से इसके ऊपर चिपका दिया। अब ये जो साइड साइड में दिख रहा है इसको कट करना है। तो मैं कट करती हूँ। तो ये रहा मेरा सीजर। इसको इस तरह से कट करती हूँ। तो मैंने चिपका कर कट कर दिया। ये एकदम इस तरह इसको दबा लेना ताकि ये वो इसकी पट्टियाँ सी जो है दिखे ना। अब हमें इसके फेस पर स्माइली बनानी है। तो मैं बना ये देखिए मैंने स्माइली बनाई है इसके फेस पे। अब ये जो ये दिख रही है ये दो खाने से ये जो इनके दो राउंड से दिख रहे हैं इनमें हमें कलर करना है। बस ये दो जो बीच में बिंदु बिंदु से है कुछ बक्श इधर कलर करना है। ये छोटे छोटे बिंदु उसको छोड़ देगा। अब मैं कलर करती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें करना है इसकी पेट कर ली है। अभी ये रेड कलर जो है इससे हमें इसका मुंह बनाना है। ये रेड कलर इसके मुंह पे ठीक इधर उधर करना है। देखिए तो इसका माउथ भी बन गया है। अभी ये रेड कलर से हमें इसके इधर और इधर कोई मोटी मोटी सी बिंदिया बनानी है। इस तरह कप का जो ये साइड वाला होता है हमें ये वाला बनाना है। तो उसके लिए हमें चाहिए ये स्क्योर 6 cm का ये स्क्योर पेपर। और फिर हमें इसको इस तरह से फोल्ड देना है बराबर। ये देखिए सब भाव हो रही है। इस तरह फोल्ड देख के दोबारा एक बार फिर से इसी तरह फोल्ड देना है इसको। अभी हमें इसके बीच में इधर इसको खोल कर थोड़ा इधर इधर गम लगाना है ताकि अच्छे से चिपक जाए और जो हमारी डंडी है वो अच्छे से बने। इस तरह से इधर गम लगा दें। फिर इसको फोल्ड करके इस तरह फिर इसको थोड़ा इधर से इस तरह फोल्ड कर लो इधर से इस तरह फोल्ड कर लो और बीच से ना इसको थोड़ा इस तरह इकट्ठा कर देना है। और ये कप की स्माइली जी इधर वाली साइड है ना उधर के इस वाली साइड लाइक इस तरह चिपकाना है।
इधर इस तरह, ऊपर भी थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए और नीचे भी थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ना है हमें। हमने इस तरह ये डंडी को चिपका लिया है और हमारा कप रेडी है। देखिए इन सब की तरह लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।